जैंकी भाई, बादाम मिल्क कैसा है? चीयर्स। चीयर्स। कैसा है यार? बहुत ही टेस्टी। देखो इसमें बादाम का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं काफी टाइम के बाद ऐसा बादाम मिल्क। अरे वाह, फिर तो आना सफल हो गया हमारा यहाँ पे। इसका नाम सिर्फ हाफ बादाम मिल्क है, इसका मजा बिल्कुल पूरा है। सही बात। तो दोस्तों, इन्होंने लिया है हाफ बादाम मिल्क और मैंने लिए हाफ कॉफी। बिल्कुल फुल मजा देने वाली हाफ कॉफी एंड हाफ बादाम मिल्क। हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फूडनिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं बैंगलोर में हूँ, तो मैं बैंगलोर की स्ट्रीट को ही आजकल छान रहा हूँ पूरा अच्छे से वेज फूड के लिए आप लोगों के लिए। तो मुझे आज सुबह ही जब मैंने सर्च करा बैंगलोर के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि भाई दशहरा आज यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पूजा भी है, जिस वजह से काफ़ी शॉप्स बंद हैं। बट स्टिल आई एम एबल टू फाइंड अ गुड प्लेस फॉर यू। आज जहाँ हम लोग आए हैं उस जगह का नाम है ताज़ा थिंडी। एक बार लुक लीजिए ज़रा घूम के पूरा हमारा। जैंकी भाई आपको दिखाएंगे, ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो आज हम लोग इसी जगह को कवर करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या खाने वाले हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है, आपको सारी डिटेल्स देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ की एक बार ऑडियंस दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा ऑडियंस है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा यहाँ पे भीड़ का आलम है इस समय। और ये तब है जब इस टाइम आपका कोरोना चल रहा है और लोग इतना शौक है कि लोगों को यहाँ पे खाने का, कि लोग यहाँ पे इतने लार्ज नंबर में आते हैं। सो मैं आपको एक बार यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या है और हम क्या क्या खाने वाले हैं। सो दिस इज़ द मेन्यू। इडली, बड़ा, केसरी भात, खरा भात, चाऊ चाऊ भात। तो मुझे अभी एक सर ने बताया है कि चाऊ चाऊ भात ले लो, वो मसालेदार भी होगा और उसमें आपको नॉर्मल केसरी भात भी मिल जाएगा। तो हम लोग वही लेने वाले हैं। मैं इसे जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और आइए लाइन में लगते हैं। ये लाइन है हमारी। ये आप देख सकते हैं पूरा अंदर से नज़ारा, क्या अमेजिंग नज़ारा है यार। एंड देट सम लोकेशन लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और आप देखिए कितने लाइक सब लोग कितने मैनर्ड फेस मास्क लगा के सब लोग खड़े हुए हैं। ओके, लाइन में हमारा दूसरा नंबर है। भैया एक इडली, एक वड़ा और एक चाऊ चाऊ भात। कार्ड चलेगा? ओनली कैश? हाउ मच? 149। ओनली 49। आप देख सकते हैं ये हमारी इडली की कॉस्ट सिर्फ 11.40 रुपये, विच इज़ वेरी रीजनेबल। वड़ा की कॉस्ट 11.40 रुपये। तो हमने दो दो इडली और दो वड़ा ले लिए हैं बाद में। और एक चाऊ चाऊ भात गया, इसकी कॉस्ट सिर्फ 23.8 रुपये है। वेरी रीजनेबल एंड इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है। तो आइए लेते हैं। मैम ये ऑर्डर है और ये आप देख सकते हैं किसी और की रखी है, मेरी नहीं रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है रखे हुए। सर आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली अमेज टू सी द क्लीनलीनेस एंड दिल्ली। तो गाइस ये आ चुके हैं हमारे एक इडली और वड़ा की प्लेट, ये दूसरे इडली वड़ा की प्लेट, और ये है हमारा केसरी भात, और ये है खरा भात, और मिक्सचर कहलाता है चाऊ चाऊ भात, और ये गोले की चटनी है। राइट? ओके, थैंक यू सर, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट। सो गाइस अब मैं इसे साइड में रख लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा रश है, और आपको पूरा रिव्यू देता हूँ यहाँ पे टेस्ट कैसा है। मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी। सो गाइस ये जो हमारा इडली वड़ा है और चाऊ चाऊ भात है, ये हमने भात है सॉरी, ये हमने एक जगह पे तो रख ली है। अब मैं एक बार आपको पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, हमने वहाँ से अपने इडलीज ली थी ऑर्डर देने के बाद, और अब आप देखिए यहाँ की जगह का साइज। तो कैन यू बिलीव गाइस, बैंगलोर में इतनी साफ सुथरी जगह है और इतना रीजनेबल प्राइस है, एंड विच इज़ जस्ट माइंड बॉगलिंग। दिल्ली वालों को ये नसीब नहीं होता, बेकार हैं दिल्ली वाले इन मामलों में। सो इट्स समथिंग, आई एम रियली अमेज्ड दिल्ली से आने के बाद यहाँ पे। एंड मार्केट भी काफ़ी शांत है यार, लाइक काफ़ी क्लीन है पूरा, आप देख सकते हो। और आज मेरे संग आए हैं जैंकी द रोर। सो आज मेरी वीडियो में यही हेल्प करने वाले हैं। भाई एक बार वो कैमरे की लाइट मार दो, कलर अच्छे आ रहे थे यार उससे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कैमरे की लाइट के थ्रू यहाँ पे फोटो थोड़ा एनहांस कर दिया। देखिए आप कलर अच्छे हो गए। तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं, और मैं प्रेफर करूँगा अपनी प्लेट में हाथ से खाना, जैंकी भाई चम्मच से खाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से खाने में साउथ इंडियन फूड को ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि ये वाला पार्ट मैं चम्मच से टेस्ट करूंगा, द रीज़न बिंग क्योंकि जैंकी भाई मेरे संग ये शेयर करेंगे तो उन्हें शायद अच्छा ना लगे कि मैं हाथ से खा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड गिव यू अ रिव्यू। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना इडली वड़ा टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं एक वड़े का बाइट लेता हूँ कोकोनट चटनी के साथ, और ये थोड़ी सी ग्रीन वाली कोकोनट चटनी है। तो एक बार टेस्ट करते हैं इसे, एक बार वड़ा तोड़ के देखते हैं पहले। हाँ हाँ हाँ, इतना सॉफ्ट वड़ा यार, और सबसे बड़ी बात गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं ठंडा दे दिया इन्होंने, मज़ेदार। तो अब ये हमने एक वड़े का बाइट अच्छे से चटनी में लगा के, गोले की चटनी का स्वाद ही अलग है। हाँ हाँ, ये देखिए अब आप एक क्लोजअप, और अब ये जा रहा है मेरे मुँह में।
पास आ जाओ थैंक यू भाई। दोस्तों सच में इतनी रीजनेबल कॉस्ट में मैंने इडली और वड़ा बहुत टाइम बाद देखा है, और कॉस्ट सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि टेस्ट में कैसा होगा। हालांकि मैं भीड़ देख के श्योर था अच्छा ही होगा, बट स्टिल खाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि द टेस्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। एंड यही रीज़न है कि यहाँ पे इतनी भीड़ आती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइजेस। एक बाइट और लेते हैं यार, बट इस बार ऐसा करते हैं इडली का लेता हूँ। इडली इतनी सॉफ्ट हो गई है, मुँह में पानी आ रहा है बोलते हुए भी। ये मैंने प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल में हाथ से खाया, और ये ट्रूली अमेजिंग यार। आज मैं पक्का अपने फ्लैटमेट के लिए ले जाने वाला हूँ ये, लास्ट टाइम उन्होंने शिकायत करी थी। आप एक बाइट और देखो, क्लोजअप। हाँ हाँ थैंक यू भाई हमारे क्लोजअप। हाँ 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 अमेजिंग यार, चटनी बहुत अच्छी है। ऐसा करते हैं चटनी थोड़ी पी लेते हैं, मज़ा आ गया। हल्का सा खट्टा बने चटनी में, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई ये तो था हमारा इडली वड़े की प्लेट, विच कॉस्ट यू ओनली 22 रुपीज़ पॉइंट समथिंग 22.8 समथिंग, एंड इट्स अमेजिंग इन टेस्ट। बिलीव मी, अगर आप बैंगलोर आते हैं और वेजिटेरियन साउथ इंडियन फूड चखना चाहते हैं, यहाँ ज़रूर आइएगा। लोकेशन लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो है हमारी ये चाउ चाउ भात। चाउ चाउ भात यानी कि खेसरी भात, और ये खर भात राइट समथिंग, एक बार मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये मसाला वाली, ये मीठे वाली, और ये कोकोनट चटनी। लेट्स ट्राई कोकोनट चटनी के संग ये मसाला वाली ट्राई करते हैं। हाँ मीठा खाने के बाद ही होना चाहिए। इसका टेस्ट पता नहीं मुझे किसी डिश की तरह लग रहा है जो मैंने खाई है, एंड इट्स रियली अमेजिंग यार। मतलब हेल्दी की हेल्दी, लाइट वेट, एंड टेस्ट में लाइक सुपर्ब। तो कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है। ट्रूली अमेजिंग। तो भाई अब मैं थोड़ी सी जैंकी बाइक ले छोड़ता हूँ, हम लेते हैं इस मीठी वाली खेसरी बात का स्वाद। ये देखिए हमारी स्वीट डिश। खेसरी बात मैंने पहले भी ट्राई करी है, एंड द टेस्ट इज जस्ट अमेजिंग यार। मतलब ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट जो मैं कहना चाहूँगा। ओवरऑल फूड रेटिंग वेरी हाई यार। मतलब शायद ये इतनी पुरानी जगह, मुझे लगता है मैं इसे रेट करूँगा। एंड यहाँ पे आपको पता है डोसा भी मिलते हैं, ऐसे लिखा हुआ था मेन्यू पे। तो गाइज अगर आपको साउथ इंडियन फूड हमारा इडली डोसा एंड ये चाउ चाउ बात अच्छी लगी हो ताज़ा ठंडी की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भाई कमेंट करना भी अगर चाहो तो कर देना।